साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक उपासना के क्षेत्र में एक ऐसा वर्ग होता है जो तामसिक साधनाओं के प्रति और विशेषकर निम्न तामसिक साधनाओं के प्रति आकर्षित होता है और तत्काल में कोई सिद्धि प्राप्त करके वो समाज में नाम, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपदा आदि चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए कर्ण पिशाचिनी नाम की एक साधना करते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी क्या होती है तो समझ सकते हैं आप। इसमें दो शब्द है, कर्ण, कर्ण माने जो कान में, और पिशाचिनी प्रकृति है। तो पिशाचिनी एक योनि होती है जो प्रेत से भी उच्च एक श्रेणी होती है और शक्तिशाली मानी जाती है, जिसको पिशाच कहते हैं। उन्हीं की एक शक्ति है, पुरुष रूप में पिशाच और स्त्री रूप में पिशाचिनी। ये लोग तामस लोक में वास करते हैं, जैसा कि तल, अतल, सुतल, तलातल, असातल, पातल आदि जो लोक माने जाते हैं, पृथ्वी के नीचे जो लोक माने जाते हैं, वहाँ पर जो तामस लोक है वहाँ पर ये आसुरी तत्व वास करते हैं। और कुछ ऐसे स्त्रियाँ भी होती हैं जो तांत्रिक प्रकृति की होती है, निम्न तांत्रिक प्रकृति की होती है, वो भी मरने के उपरांत पिशाचिनी की योनि में चली जाती है और इस प्रकार से वो एक प्रेत योनि को प्राप्त होती है। तो इस पिशाचिनी को एक सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वह किसी भी व्यक्ति के भूतकाल को जान सकती है। तो जो इस कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है उसको किसी भी पुरुष को देखते हुए, स्त्री को देखते हुए उसका जो भूतकाल है वो उसको ज्ञात हो जाता है। तो इस विषय में मैं अपने जीवन में जो एक अनुभव मैंने किया है कि एक ऐसे साधक थे और मैंने देखा कि वो ऐसे सड़कों पे अपना बैठ के अच्छा लोगों को बता दिया करते थे। कोई भी दिखा तो उसका नाम, घर का पता, गाड़ी का नंबर क्या है, तुम क्यों हो, तुम्हारे सर जेब में कितने रुपए पैसे हैं, ये सब चीज़ें वो बता देते थे। तो उनके पास कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्धि थी।